किया है। मोदी जी की आत्ममुग्धता अब अकेले तस्वीरें खिंचाने तक ही सीमित नहीं रही, अब मोदी निर्जान सुनसान वीराने में भी हाथ हिलाने के लिए चर्चित होने लगे हैं। गुजरात के द्वारका में सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद तस्वीरों में दिख रहे पीएम मोदी अकेले सेतु के ऊपर खड़े होकर नदी के वीराने में हाथ हिला रहे हैं, मानो उन्हें निर्जान सुनसान में अपार जनसमूह दिखाई दे रहा हो। हालांकि नदी की तरफ देखें तो एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि बोट्स पर लोग मौजूद हैं, उनके लिए मोदी जी हाथ हिला रहे हैं। हालांकि बोट्स को भी अगर हम नजदीक से देखने का प्रयास करें तो कुछ तस्वीरों में स्पष्ट है कि बोट्स पर भी कोई इंसान नहीं दिख रहा। अब मोदी की इस क्रियाकलाप को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अपड़ा अग्रवाल नाम की एक यूजर लिखती हैं, लगता है मोदी जी सुंदर मछलियों के लिए हाथ हिला रहे हैं। वहीं लवान्या बल्लाल ने भी मोदी जी के इस अजीबोगरीब कारनामे को मछलियों से जोड़ा है। वो कहती हैं, मछलियों को कौन हाथ हिलाता है। एमोक नाम के एक यूजर ने भी कहा, आखिर मछलियों को हाथ हिलाने से इनको क्या मिलेगा। खैर दोस्तों, आपको बता दें, वीराने सुनसान जगह पर हाथ हिलाने का ये मोदी का कोई नया वाक्य नहीं है। इससे पहले भी मोदी जी सुनसान जगह पर अकेले हाथ हिलाते हुए देखे गए हैं। ये पुराना वीडियो भी बताता है कि पीएम मोदी जन समूहों को हाथ हिलाने के लिए कितने आत्ममुग्ध हैं। चाहे लोग हों या ना हों, इन्हें हाथ हिलाने के लिए एक खाली जगह चाहिए। आज भी सुदर्शन सेतु के उद्घाटन समारोह में नदी की मछलियों के लिए हाथ हिलाते हुए इनको देखा गया। सोशल मीडिया यूजर्स अपने अलग अलग दावों के साथ मोदी को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। विक्रम कहते हैं, हाथ हिलाने का इनका भी शौक अजीब है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, एक मैं हूं, दूसरा कोई और नहीं चाहिए तस्वीर में। राकेश रंजन कार्टून आर्टिस्ट ने भी कहा, ये आदमी गजब है भाई। अनीता मीना ने सवाल पूछा है, ये किसकी तरफ हाथ हिला रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी ऐसे सुनसान जगह पर हाथ हिलाकर लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।